हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे, आज 14 जून है, 14 जून 2022। तो फ्रेंड्स, आज का जो दिन है, 14 जून का जो दिन है, वो हमारे देश में विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उसी के उपलक्ष्य में मेरे गाँव मिताथड़ा, जो कि भिवानी जिले में पड़ेगा, वहाँ का एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल बाबा खुबीनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पर जो है ना मेरे गाँव में मतलब ब्लड डोनेशन कैंप यानी रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया गया है। तो अभी यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग पहुँच चुके हैं और नौजवान युवा यहाँ पे ब्लड डोनेट कर भी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं भी ट्राई करूँगा ब्लड डोनेट करने का, अगर मेरा वेट बन पाया तो। मैंने पहले भी ट्राई किया है लेकिन मेरा वेट नहीं बन पाता है वजन कम रहने के कारण। तो अभी देखूँगा मैं भी, अगर वेट बन पाया तो मैं ब्लड डोनेट करूँगा। तो फ्रेंड्स, अभी चलिए अभी और लोगों से हम बात करेंगे जो यहाँ पे जिन्होंने डोनेट ब्लड डोनेट किया, यहाँ पे जो गेस्ट वगैरह हैं और जिन्होंने इसका आयोजन जो है ना करवाया ब्लड डोनेशन कैंप का। तो फ्रेंड्स, चलिए उनसे बातें करते हैं आगे। फ्रेंड्स, अभी जो है ना ब्लड डोनेट करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म जो है ना वो भर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी फॉर्म भरवाऊंगा, उसके बाद वेट चेक करूँगा, मेरा कितना बन पाएगा। मैं हमने बोला अभी पहले आप वेट करवा के आओ, तो अभी एक बार फॉर्म भरवा लेते हैं। हाँ सर, बिल्कुल। फ्रेंड्स, फॉर्म मैंने भरवा लिया है अभी, तो यहाँ से अभी मैं वेट कर लेता हूँ एक बार, उसके बाद देखते हैं वेट मेरा कितना। अभी देखते हैं वेट मेरा कितना सो रहा है, और अप्रोक्स 50 है, देखो। फ्रेंड्स, अभी भी चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि मेरा कितना रहेगा। फ्रेंड्स, अभी मैम ने मेरा ब्लड सुनिए क्या बीपी चेक किया, मैम ने मेरा बीपी अभी नॉर्मल आया, तो अभी मैं डोनेट कर पाऊंगा ब्लड। अभी यहाँ पे एंट्री हो रही है मेरी, अभी मैम कर रही है एंट्री, उसके बाद हम पीछे जाएंगे ब्लड डोनेट करने के लिए। आप देख पा रहे होंगे जैसे और भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ब्लड डोनेट जो कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी एंट्री करवा लेते हैं एक बार, उसके बाद चलेंगे फिर आगे। फ्रेंड्स, अभी आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं अर्जुन अवार्डी है, तो आज हमारे यहाँ के ब्लड डोनेशन कैंप के जो मुख्य अतिथि हैं यहाँ पर। फ्रेंड्स, बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। मेरा फ्रेंड है दीपक कुमार, जो मेरे साथ पढ़ता हूँ, साथ में पढ़ते हैं। तो अभी ये कौन सी बात करेंगे, ये ना 9th मतलब 9वीं बार ब्लड डोनेट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलो, आज पहली बार मैं भी कर पाऊंगा। देखिए, हमारी जो महिला शक्ति है वो भी ब्लड डोनेट करने में पीछे नहीं है, आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे। जैसे ब्लड डोनेट यहाँ पे जो है रक्तदान यहाँ पे कर रहे हैं हमारे समाज की सेवा के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप भी मौका मिले ब्लड डोनेट करने का, तो आप भी अपने आप लेके जाइए और ब्लड डोनेट जरूर कीजिए। Be
अधिकारी मंच पर आए और उनको सम्मानित करेंगे। प्रिंसिपल नीर कुमार जी, हेडमास्टर सुभाष जी, पवन जी, उसको बधाई देते हैं किस प्रकार का नेक कार्य है। हमारे गांव मीता थल के बाबा पूरा स्कूल में उनका आयोजन किया और ये मानव जाति की सबसे बड़ी सेवा है रक्तदान करना। इसके लिए एक बार पुनः पूरी सोसाइटी को मास्टर जी, जो आप ये फाउंडेशन और ये 9वां 20 साल रक्तदान शिविर लगा रहे हैं, तो आपको ये सब प्रेरणा कहाँ से और कब मिली? ये प्रेरणा हमें शुरू से बचपन से ही लगे थे नेहरू केंद्र के तहत से, वहाँ से हमने इसे अपने सोशल वर्क के कार्य करना शुरुआत किया। फिर हमने ये जो रक्तदान का जो मुहिम चलाई राजेश डुडेजा के उसमें सानिध्य बनाने के बाद में शुरुआत की, तो हमारा जो हमने ये अपनी जो सोसाइटी अपने गांव लेवल की बना रखी है और इसमें हमें अपने निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा करते हैं, ये हमारा ये 9वां रक्तदान शिविर। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने ना ब्लड डोनेट कर दिया है और अभी ब्लड डोनेट करने के बाद अभी आप देख सकोगे मेरे यहाँ पे उन्होंने पेज लगाया है यहाँ पे ब्लड डोनेट करने का, और उन्होंने मेरे को एक तो ट्रॉफी और एक दो सर्टिफिकेट्स दी। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो जैसे उन्होंने एक तो मेरे को ये दिया है, एक तो ये ट्रॉफी अभी आप जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ से लाइट अच्छा आएगी, ठीक है, और एक उन्होंने ये दिया है मेरे को ये सर्टिफिकेट यहाँ पे ये, और एक ही अमर उजाला फाउंडेशन की तरफ से। तो फ्रेंड्स, आज ब्लड डोनेट करके मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि मैंने पहली बार ब्लड डोनेट किया। बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल कोई डरने की बात नहीं है। अगर आपको भी कभी मौका मिले कहीं ब्लड डोनेट करने का तो आप भी ब्लड डोनेट कीजिएगा, और हमारे जो समाज में जो जरूरतमंद जो लोग हैं जिनको ब्लड की जरूरत है ताकि उन तक जो ब्लड जो है ना पहुँच सके हमारे ब्लड डोनेट करने से। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।